नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला की आज की इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अंशिकी जड़िया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर अपनी जमीन अपने देश भारत पहुंची हैं। गुरुवार सुबह एक्ट्रेस ने इंस्टा स्टोरी पर अपनी बेटी मालती संग फोटो शेयर बताया था कि वो मुंबई आ रही हैं। इस खबर के बाद देसी गर्ल के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आए थे। वहीं रात होते होते अभिनेत्री और उनकी बेटी मालती मेरी चोपड़ा जोनस के साथ मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गई, जहां पैपराजी ने उनका शानदार स्वागत किया। इस दौरान वो ऑल ब्लैक लुक में हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत दिखी। उन्होंने क्रॉप टॉप के साथ लूज ट्राउजर पहना हुआ था, साथ ही साथ सिर पर हैट भी लगाई हुई थी। तो वहीं 2 साल की मालती अपनी मम्मी की गोदी में देखी गई। इस दौरान मालती व्हाइट और ग्रीन कलर की चेक फ्रॉक पहने देखी गई। बता दें कि माँ बेटी का एयरपोर्ट से वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। बॉलीवुड की सुपरहिट एक्ट्रेस यानी कि आलिया भट्ट 15 मार्च को अपना 31वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। आलिया ने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपना डेब्यू किया था, जो 19 अक्टूबर साल 2012 में रिलीज हुई थी। पहली ही फिल्म से आलिया भट्ट ने साबित कर दिया था कि वो बॉलीवुड में छा जाएंगी। 12 साल से सिनेमा करियर में आलिया ने कई सुपरहिट फिल्में दी और आज वो बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में से एक है। बताते चले कि आलिया इंडस्ट्री की हाई पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वो एक फिल्म के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए की फीस लेती हैं। वहीं वो विज्ञापन के करीब 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। बात करें एक्ट्रेस के नेटवर्थ की, तो एक्ट्रेस का नेटवर्क 517 करोड़ रुपए के लगभग है। बी टाउन के हैंडसम हंक कार्तिक आर्यन अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में अभिनेता ने अपने कार कलेक्शन में एक ब्रांड न्यू 4-व्हीलर शामिल की है। कार्तिक ने अपनी पेट डॉग कटोरी के साथ कार की तस्वीरें शेयर करी हैं। कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नई एसयूवी के साथ फोटो शेयर करी हैं। तस्वीर में अभिनेता पेट डॉग के साथ कार की डिक्की में लेटे हुए नजर आ रहे हैं। चेक्ड शर्ट और व्हाइट पैंट में कार्तिक ने लेटकर पोज दिया है, तो वहीं कटोरी बैठी हुई नजर आ रही है। कार्तिक आर्यन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक और तस्वीर शेयर करी है, जिसमें वो कटोरी के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक्टर के पोस्ट काफी पसंद किए जा रहे हैं और एक्टर को नई कार लेने पर भी खूब बधाइयां भी मिल रही हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर बड़ा कदम उठाया है। चेतावनियों के बावजूद अश्लील सामग्री दिखाने पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। इसके साथ ही 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और कई सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन प्लेटफॉर्म को क्रिएटिविटी के नाम पर अश्लीलता परोसने के लिए चेतावनी दी थी, जिसे लेकर हाल ही में सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई भी की गई। 14 मार्च को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस कदम की जानकारी दी। रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार की तरफ से अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर इन प्लेटफॉर्म्स को कई बार वार्निंग दी जा चुकी थी, जिसके बाद हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 18 OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। इसके साथ ही 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा आज रिलीज हो चुकी है। सिनेप्रेमी इसे देखने के लिए सिनेमा घरों का रुख कर रहे हैं। इसी बीच कुछ अन्य फिल्में भी हैं जो दर्शकों को लुभाने की पुरजोर कोशिशों में लगी हुई हैं। बीते कुछ दिनों से यामी गौतम की आर्टिकल 370, अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान और किरण राव की निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज बॉक्स ऑफिस पर कमाल प्रदर्शन करने में लगी हुई है। बात करें इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज सिनेमा घरों में लगी हुई है। लापता लेडीज का अब तक का कुल कलेक्शन 10.5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो वहीं यामी गौतम अभिनीत फिल्म आर्टिकल 370 ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया हुआ है। इसका अब तक का कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने अब तक 69.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अजय देवगन और आर माधवन अभिनीत फिल्म शैतान की रिलीज को 7 दिन पूरे हो चुके हैं और शैतान का अब तक का कुल कलेक्शन 79.75 करोड़ रुपए बताया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसी बॉलीवुड जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।